खबर बांदा जनपद से, जहां 6 नगर पंचायत व 2 नगर पालिका में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। वहीं बसपा और सपा पर कड़ा प्रहार करते हुए इस बार के नगर निर्वाचन में भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से अपील किया। मामला बांदा शहर के GIC मैदान का है, जहां पर आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उसके पहले पंडित JN डिग्री कॉलेज ग्राउंड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद GIC मैदान पर पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कहा कि महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड की बांदा की बात करें तो 2017 के पहले क्या स्थिति थी, सब कुछ अच्छे से आप लोग जानते हैं। जब हम बुंदेलखंड के पहले दौरे पर आए थे, एक विकास और दूसरा माफिया राज को बुंदेलखंड की दो बड़ी समस्याएं थी। बुंदेलखंड की जनप्रतिनिधि की सक्रियता से माफिया राज को समाप्त किया गया है। बुंदेलखंड उन्नति के पथ पर चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया, वही महिलाएं मटकी लेकर 2-2 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। अब हर घर जल योजना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू हो रही है, तो बुंदेलखंड में अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। वही इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वही बांदा नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मालती वासु बगरू, नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाल सिंह सहित सभी नगर पंचायत के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। वही सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का भी कवर हमें दिया है। 5 लाख रुपए का उपचार किसी भी पैनल हॉस्पिटल में देश के अंदर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति करा सकता है। उसके लिए उसे किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जाता है। ये राशन पहले खाद्य माध्यम के पास चला जाता था। हर घर नल योजना में 1 करोड़ परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लगातार हर एक कार्य में कुछ न कुछ नया पर देखने को मिला। 17 के पहले की स्थिति क्या थी, नगर हमारे गंदे दिखते थे। जब मैं पिछली बार यहां आया था बांदा में, बांदा तब मैं यहां के विधायक से सबसे अपील होगी, चेयरमैन के साथ साथ उनके साथ पार्षद भी जिताने हैं, क्योंकि जब फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनेगा ना, वह बोर्ड ही निर्णय लेगा और वही बोर्ड के पास पैसा आएगा प्रदेश का, केंद्र और प्रदेश सरकार का पैसा वहीं आएगा और फिर वही निर्णय लेगा। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, पार्कों के निर्माण के लिए, कन्वेंशन सेंटर के लिए, बराज घर के लिए, जल निकासी के लिए, पेयजल के लिए, सीवर योजना के लिए, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ आय निवास और जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन देने के लिए, ये सभी कार्य, ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये सारा पैसा वहां आना है और उस पैसे का उपयोग ठीक हो सके। सुंदरीकरण के लिए कोई मंदिर है, कोई अच्छा सा सेंटर है, उनके सुंदरीकरण के सारा पैसा वहां आएगा और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप इन्हें जिता करके भेजेंगे सभी को, सभी लोग सेना में तो फिर मेरे साथ बोलेंगे को नहीं दी जाएगी।
बुंदेलखंड का विकास एक नई कहानी बच रहा है। ये कहानी यहां के वर्तमान के साथ साथ यहां के भविष्य को बनाने, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्ज्वल करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाला कदम है और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज इस नगर का चुनाव में आपके पास आया है। बहुत सारे लोग आएंगे, चुनाव ये व्यक्तिगत हर व्यक्ति की अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा चुनाव केवल चुनाव नहीं होता है, लोग